मतदान यहां पर हुआ है। फूलपुर में 11 बजे तक 22.85% मतदान और इलाहाबाद में 11 बजे तक 23.88% मतदान हुआ। अम्बेडकर नगर में 11 बजे तक 30.02% मतदान और श्रावस्ती में 11 बजे तक 26% मतदान होने की बात सामने आ रही है। डुमरियागंज यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट जगदम्बिका पाल और यहां को लेकर भी बड़ी अपडेट, बस्ती में 11 बजे तक 29% मतदान हुआ है। संत कबीर नगर में 11 बजे तक 27% मतदान की खबर सामने आ रही है और लालगंज में 11 बजे तक 28% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट है। आजमगढ़ में 28% मतदान, आजमगढ़ की अगर बात करें जौनपुर में वही 26% मतदान। तो देखिए तमाम शहरों के जो अपडेट्स हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं और मछली शहर में 27% मतदान हुआ है। तो 11 बजे तक के ये चुनावी जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए हैं। 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या रहा ये भारत समाचार आपको बता रहा है। 11 बजे तक इन शहरों में इतने प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज रहा है। नवेद जी, अब 11 बजे तक की अगर बात करें तो चुनावी परसेंटेज सामने आ रहा है, ये इतने इतने परसेंटेज, इनको लेकर क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? कुछ बढ़ेगा आंकड़ा? शुरुआत के 2-3 घंटे तो वोट सही पड़ता है, लेकिन अब चुनौती होती है कि दोपहर में भी इस रफ्तार में अगर पड़ता है तो सबकी जो उम्मीद है, समाज की, आयोग की, सभी की, सारे दलों की, कि चुनाव वोट ज्यादा पड़े, 70% से ज्यादा पड़े तो बहुत अच्छी बात। मैं एक महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा हूँ, वो समाज में एक नई डिबेट शुरू हो गई है। वो क्या हो गई है कि देखिए, अभी जो प्रमोद जी ने भी कहा, मुझे वो बात याद आई कि स्थिर सरकार, मजबूत सरकार, स्थिर सरकार किसे कहा जाता है? फुल मेजॉरिटी की सरकार। देखिए साथी जी, आपने देखा होगा कि कई दशक से इस देश में गठबंधन की राजनीति चल रही है और गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं, सफल भी होती रही हैं। देखिए गठबंधन भी दो तरह के होते हैं। गठबंधन का एक कोई दल बड़ा महत्वपूर्ण, मतलब सबसे बड़ा दल होता है जिसके ऊपर केंद्रित वो गठबंधन होता है। जैसे इस वक्त इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उस कांग्रेस के ऊपर केंद्रित है इंडिया। भाजपा एनडीए का सबसे बड़ा दल है और उसके साथ उसके सहयोगी दल है, इस तरह गठबंधन होते हैं। एक गठबंधन ये होता है कि गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है उसकी खुद की मेजॉरिटी है और सपोर्टिंग में उसके सहयोगी दल है। एक ये होता है कि जो सबसे बड़ा दल है उसकी खुद की मेजॉरिटी नहीं है और वो अपने सहयोगियों के ऊपर। बातचीत की वहां पर तमाम लोगों से, क्या कुछ मिजाज है सुल्तानपुर का, जरा देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए सुल्तानपुर में आज मतदान हो रहे हैं, छठवें चरण का मतदान है। सुल्तानपुर की सीट बहुत ही रोमांचक है क्योंकि बीजेपी से प्रत्याशी यहां पर मेनका गांधी हैं, समाजवादी पार्टी से रामभुवाल निषाद हैं, बसपा से उदयराज वर्मा हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि यहां पर एस्पेक्टर कहे जाने वाले सोनू सिंह और मोनू सिंह, जो दोनों ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये